अब हम जल प्रदूषण के बारे में समझेंगे। जल की गुणवत्ता जो है उसका अच्छा होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधों, हर किसी के लिए जल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जितने भी विकासशील देश या अविकसित देश जो होते हैं वहाँ पर जल की जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही अधिक उभर कर आ रही है, जो कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है, कई तरह के रोगों को जन्म देती है और देश को धीरे धीरे जो है वो ये देश की आर्थिक स्थिति को भी ये मजबूत होने से रोकती है कई बार। तो विभिन्न पदार्थों को अपने अंदर लेने की जो जल की क्षमता होती है, जो इसे सार्वत्रिक विलायक बनाती है कि जल जो है बहुत सारे पदार्थों को अपने में घोल लेता है, ये एक सार्वत्रिक विलायक होता है। और बहुत अधिक तापमान की एक बहुत बड़ा एक रेंज होता है, यानी जो जल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तरल अवस्था में रहता है, तो ये एक बहुत अच्छा विलायक भी होता है। और इसमें जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण भी यही है कि ये बहुत सारे पदार्थों को अपने अंदर घोलने का गुण रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, बहुत सारे लवण, ये सारी चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं और जल को धीरे धीरे प्रदूषित करने लगती हैं। तो हम जल प्रदूषण को इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में जब जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण में परिवर्तन दिखाई देता है तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बनिक प्रदूषण क्या है। प्रायः हम देखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या पेपर है या भोजन निर्माण की जो भी वस्तुएं जिससे हम भोजन बनाते हैं, सभी में कार्बन तो होता ही है, यानी कार्बनिक प्रदूषण जो है वो यहाँ से आता है। तो जितने भी पौधे हैं जब वो सड़ गल जाते हैं, या बहुत सारे पेपर हैं वो पानी में मिल जाते हैं, या भोजन निर्माण के समय जो भी हम छिलके वगैरह, फल के छिलके, ये सारी चीज़ें जब जल में मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे जल जो है वो प्रदूषित होने लगता है। तो ये कैसे प्रदूषित होता है? जल में उपस्थित जो ये ऑक्सीकारक बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से ये जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका विघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रेट में, फॉस्फेट में ये लगातार विघटित होते रहते हैं। तो जब इनका विघटन होता है तो हम ये देखते हैं कि जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगातार कम होती जाती है। तो जब ये ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी तो जो जलीय जंतु हैं, विशेषकर जो मछलियाँ होती हैं, उनमें उनकी मृत्यु होने लगती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इसी तरह से जो अनॉक्सीकारक बैक्टीरिया होते हैं, वे कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने के लिए बहुत अधिक उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी विघटन से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया, फॉस्फिन, ऐसी बहुत सारी विषैली गैसेस निकलती हैं जो कि जल को प्रदूषित करती हैं। अब हम जल प्रदूषण से संबंधित एक टर्म के बारे में जानेंगे, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वास्तव में ये क्या है? जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के 5 दिन तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटन के लिए आवश्यक होती है। तो BOD को हम इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मिलीग्राम में मात्रा है। तो यहाँ BOD को जब हम ज्ञात करते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा जो कि मिलीग्राम में है, बटा नमूने की मात्रा जो कि लीटर में ली गई है। नमूना यानी जिस जल में हम ऑक्सीजन की मात्रा को देख रहे हैं मिलीग्राम में, तो उस नमूने की मात्रा को लीटर में लिया गया है। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये यदि 5 पार्ट पर मिलियन PPM या इससे थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो जल जो है वो प्रदूषित माना जाता है, क्योंकि शुद्ध जल में जो BOD है इसका मान 0 से 3 PPM तक आका गया है। यानी BOD जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू है, वो प्योर वाटर में 0 से 3 PPM तक होना चाहिए। यदि 5 PPM या इससे ज़्यादा हो जाए तो इस तरह का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। प्रायः देखा गया है जो कारखाने के आसपास जल के जितने भी स्रोत होते हैं वहाँ पर BOD का मान कई बार
1000 ppm भी हो जाता है, यानी बहुत अधिक प्रदूषित देखा गया है यहाँ पर। जो भी कारखाने से निकले हुए जल जब जल के स्रोतों से मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काउंट की जाती है तो वो 1000 ppm से भी अधिक पाई गई। तो यहाँ पर जल जो है बहुत ही प्रदूषित होता है, बहुत अधिक प्रदूषित होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से जल में उपस्थित जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं इनका भी पता लगाया जा सकता है। इसके बाद हम जानेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसे हम COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या जो कार्बनिक व्यर्थ पदार्थों के अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी जल में घुलते हैं और जल के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसे ही हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यदि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान अधिक होता है, इसका अर्थ होता है कि जल अधिक प्रदूषित है, और यदि इसका मान कम है तो इसका अर्थ है कि जल कम प्रदूषित होता है। जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो जल में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है या जो अकार्बनिक पदार्थ है उनके साथ ये उनका ऑक्सीकरण कर देती है, और जितने भी मल हैं उनके संदूषण के कारण जो जल है उसका जो रंग है वो भूरे रंग का हो जाता है, या कई बार हम देखते हैं कि जल जो है वो तैली हो जाता है, ऑयली हो जाता है, और उसमें से दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। प्रायः जो जंतु हैं, पौधे हैं, सभी के लिए इस प्रकार का जो संदमित जल होता है वो हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। जल में प्रदूषकों की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रायः अब BOD के स्थान पर COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में कि कैसे ये औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं। प्रायः जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उनसे उनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे उसमें जो धात्विक लवण है या धातु है उनके द्वारा बाहर प्रकृति में छोड़े जाते हैं या जल में मिलाए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो धातुएं होती है उसमें सीसा है, पारा है, कैडमियम, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, इतने सारे जो धातु हैं वो बाहर निकलते हैं और इनके जो यौगिक है वो भी निकलते हैं। ये जब जल के साथ मिलते हैं तो बहुत सारे बीमारियां लेकर आते हैं, यानी जल के साथ मिलकर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों को, मनुष्य को, जीव जंतुओं पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। कैडमियम की जो विषाक्तता है उसका प्रभाव जापान में देखा गया बहुत अधिक मात्रा में। वहाँ पर यह कैडमियम युक्त जो विषाक्तता के कारण होने वाला जो रोग है उसे इटाई इटाई रोग या उसे आउच आउच रोग भी कहा जाता है। कई बार हम देखते हैं कि इस तरह के जो लवण होते हैं, धात्विक लवण, जो विषैले धात्विक लवण होते हैं वो भूमिगत जल और जो जलाशय होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, और इनसे या इन पर आश्रित जो पादप है या जीव जंतु है, मनुष्य है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और चूंकि इन जल का या इन जलाशयों से उत्पन्न जो जल होते हैं या विभिन्न जो जल स्रोत हैं जिनमें ये धात्विक लवण मिल गए उनकी वजह से उनसे मृदा पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस तरह के जो विषैले धात्विक लवण हैं वो मृदा पर भी मिलते हैं और मृदा को भी ये बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम जल को प्रभावित करने वाले या जल को प्रदूषित करने वाले दूसरे अन्य स्रोत जो डिटर्जेंट है या उर्वरक है इनके बारे में जानेंगे। प्रायः आजकल डिटर्जेंट जो प्रयोग में लाए जाते हैं ये जैव निम्नीकृत प्रकार के होते हैं, और ये जो जैव निम्नीकृत डिटर्जेंट है इनसे भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैव निम्नीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करते समय ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जल में घुले ऑक्सीजन का जब ये पूरी तरह से उपयोग कर लेते हैं तो फिर जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जल में उपस्थित जो पौधे हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है या मछली है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उनको ये नुकसान पहुँचता है। प्रायः जो उर्वरक है उसमें भी बहुत सारे अन्य जो विषैले पदार्थ है जिसमें कुछ फॉस्फेट्स भी होते हैं ये भी उपस्थित होते हैं। अब ये जब फॉस्फेट, चूँकि यहाँ उर्वरकों में फॉस्फेट है तो ये कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ये जल के स्रोत से मिल जाते हैं और वहाँ पर शैवालों की वृद्धि को बढ़ाते हैं,
यानी जो फॉस्फेट होते हैं वो शैवाल की वृद्धि को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, यानी उसको बढ़ाने में, शैवालों को पनपने में मदद करते हैं। तो शैवाल जो है वो उसकी वृद्धि होती है, तीव्रता से वो बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में पानी का जो ऊपर का लेयर है वो पूरी तरह से घिर जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस तरह अवायवी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूँकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ जो जलीय जंतु है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, खासकर जो मछलियाँ होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जल में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भी होता है, जो बहुत अधिक मात्रा में उस जलीय पौधे के लिए जो उस जल में उपस्थित है या उस जल में उपस्थित जो जलीय जंतु हैं जैसे कि मछलियाँ, उनके पोषण के लिए ये आवश्यक होती हैं। तो जब कभी भी हम देखते हैं ऐसे प्रदूषण होता है तो बहुत सारे जो जलीय जीव हैं उनका पोषण नहीं हो पाता है, बहुत सारे जो जीव हैं उनकी प्रजातियां हैं जिनका सही ढंग से पोषण नहीं हो पाता है, तो जैव विविधता जो है उसको हानि पहुंचती है। इस तरह की जो प्रक्रिया है इसे हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, जो यहाँ पर जल में उपस्थित जो पोषक तत्वों द्वारा बहुत अधिक गहराई में प्रेजेंट भी जो जंतु हैं या पौधे हैं वो जीवित रहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है जल में। लेकिन यदि उसके चारों तरफ एक लेयर बन गया जो ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसकी वजह से, तो यहाँ पर जो जैव विविधता है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे हम यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। अगला जो हम देखेंगे स्रोत वो है पीड़क नाशी। पीड़क नाशी जो है उसका प्रयोग तो अच्छे के लिए किया जाता है, कई बार पीड़कों को नुकसान पहुँचाने के लिए या जहाँ पर फसल का उत्पादन किया जाता है तो पीड़क यदि एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए पीड़क नाशी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पीड़क नाशी जो है वो जल प्रदूषण का कारण बनते भी हैं। पीड़क नाशी की बहुत थोड़ी मात्रा भी यदि जल में उपस्थित है तो ये जल को प्रदूषित कर देती हैं। इन पीड़क नाशियों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत सारे कवक नाशी हैं, कीट नाशी हैं, शाक नाशी हैं या चूहे नाशी हैं, ये सारे जो है पीड़क नाशी के अंतर्गत ही आते हैं और कहीं ना कहीं ये जल को किसी न किसी कारणवश प्रदूषित करते हैं। कुछ पीड़क नाशी ऐसे होते हैं जो कि कीड़ों से बचाकर, पीड़क नाशी प्रायः कीड़ों से बचाते हैं फसलों को, फसलों का उत्पादन बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जंतुओं और पादपों के लिए हानिकारक होते हैं। जंतुओं और पौधों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। इसमें कुछ मुख्य हम देखेंगे जैसे कि DDT, एल्ड्रीन, BHC, हेप्टाक्लोर, ये सारे जो कुछ पीड़क नाशी हैं जो कि पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बहुत अधिक हानि पहुँचाते हैं। प्रायः जो ये पीड़क नाशी होते हैं ये रासायनिक रूप से मुख्यतः इसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बफॉस्फेट होता है, बहुत सारे धात्विक लवण होते हैं। ये पीड़क नाशी का जब ज़्यादा उपयोग होने लगता है तो पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें पीलापन आ जाता है, पौधों की पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं, उसमें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। बहुत अधिक उपयोग होने लगता है तो वन के वन भी यहाँ पर पूरे नष्ट होने लगते हैं। इन पीड़क नाशियों का सही चुनाव करना बहुत आवश्यक है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव जो है वो भ्रूण पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और इससे कई तरह की विकृतियां उत्पन्न होती है, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो। बहुत सारे कैंसर का कारण बनता है जैसे कि त्वचा का कैंसर या आमाशय का कैंसर। कई बार हम देखते हैं कि इन पीड़क नाशियों की वजह से त्वचा काली भी पड़ जाती है, साथ ही आँखों में भी क्षय उत्पन्न होता है, आँखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। इसका यदि सही तरीके से उपचार ना किया जाए तो ये मनुष्य और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी के लिए बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जितने भी जल प्रदूषण के स्रोत हैं उनके बारे में, तो उसमें एक मुख्य स्रोत हम देखते हैं अम्ल। तो अम्ल के द्वारा भी जल का प्रदूषण होता है। आजकल वायु प्रदूषण के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है जल में मिल जा रहे हैं बारिश के जल में और इसके कारण यहाँ पर अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो बारिश के जल का जो pH मान है वो लगातार कम होता जा रहा है, यानी वो अम्लीय क्षेत्र की ओर जा रहा है।
जो कि बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। तो वर्षा के जल में जब अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये समुद्र के जल से जब मिलते हैं तो वहाँ पर समुद्र को प्रभावित करते हैं, समुद्र को प्रदूषित करते हैं और वहाँ उपस्थित बहुत सारे जो जीव जंतु हैं या जो जलीय पौधे हैं उस पर ये बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। बहुत सारे औद्योगिक अपशिष्ट भी निकलते हैं जिसमें कि अम्ल होता है या जो अम्ल बनने का कारण बनते हैं, जैसे कि उसमें इम्पॉर्टेंट एक है आयरन सल्फाइड। ये जो आयरन सल्फाइड है, आयरन पायरेटाइज है, अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा ये धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी FeS जो है वो कई प्रक्रियाओं से गुजर कर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और ये जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ घुल करके जल की अम्लता को बढ़ाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे क्लोरीन युक्त जो बाईफेनाइल्स होते हैं, ये बाईफेनाइल्स क्लोरीन युक्त जो है वो भी प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? प्रायः जो ट्रांसफार्मर है या संधारित्र है, कंडेंसर है, इसमें ये द्रव रूप में इस तरह के जो यौगिक हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। ये जो यौगिक होते हैं ये ऑक्सीकरण में प्रतिरोधी होते हैं और वायुमंडल में वाष्प के रूप में लगातार मुक्त हो रहे हैं, और जैसे ही ये वाष्प के रूप में मुक्त होते हैं वर्षा के जल के साथ मिलकर ये वापस पृथ्वी पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे जल के स्रोतों के साथ मिलकर जल को संदूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैल्सिनोजेनिक होती है और ये जो कैल्सिनोजेनिक प्रकृति होती है इन्हीं के कारण जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है और बहुत सारे गंभीर बीमारियों का कारण भी बन रहा है। अब हम ये समझेंगे कि कैसे जल प्रदूषण से निपटारा किया जा सकता है, जल प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण लाया जा सकता है। प्रायः जब हमने देखा कि औद्योगिक अपशिष्ट में कई सारे धात्विक लवण रहते हैं जो कि जल के स्रोतों के साथ मिलकर गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि जितने भी औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं उनका पहले उपचार किया जाए, यानी उसको बाहर निकालने से पहले औद्योगिक परिक्षेत्र में ही उसका उपचार किया जाए। जब उसका उपचार किया जाएगा तो ये ध्यान रखना है कि उसका जो pH है वो कितना है, यानी उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्ली है या क्षारी है, क्षार है या अम्ल है, तो उसके फिर अपोजिट से हम क्रिया करवा के उसको उदासीन कर सकते हैं। यदि अपशिष्ट अम्ली है तो क्षार से क्रिया करा देंगे, उदासीन हो जाएगा। यदि क्षारी है तो अम्ल से क्रिया करा देंगे और वो उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा उपचार करके औद्योगिक अपशिष्ट को बाहर निकाला जा सकता है। औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित बहुत सारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक क्रिया के द्वारा उसे अवक्षेपित भी किया जा सकता है, उसे हम छान कर भी अलग कर सकते हैं। कई अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनको छान करके अलग किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनमें एक बहुत ही आधुनिक एक प्रक्रिया है जिसे हम आयन एक्सचेंजर या फोटो कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आयन एक्सचेंजर है या फोटो कैटलिस्ट है, इनके द्वारा भी उपचार करके औद्योगिक अवशिष्टों का निस्तारण किया जा सकता है, यानी इनमें प्रवेश कराकर, आयन एक्सचेंजर या फोटो कैटलिस्ट में प्रवेश कराकर हम औद्योगिक अवशिष्टों का निस्तारण कर सकते हैं। आजकल प्रायः देखा गया है कि इस तरह के औद्योगिक अवशिष्टों को शुद्ध करने के लिए इस तरह के जो प्रोसेस हैं वो किए जा रहे हैं। अब हम ये समझेंगे कि कैसे जल में उपस्थित जो मल है उनका उपचार किया जा सकता है, उसकी गंदगी को कम किया जा सकता है। प्रायः जो फिटकरी है, चूना है, ये जल के साथ क्रिया करते हैं। हम घर में भी जब जल को शुद्ध करते हैं तो उसमें फिटकरी के द्वारा उसमें उपस्थित जो मिट्टी है या उसके जो भी अपोजिट पार्टिकल्स होते हैं वो जल के द्वारा, जल में उपस्थित यदि हम उसमें फिटकरी डालते हैं तो वो उसको अवक्षेपित कर देते हैं और इस तरह से जो भी उसकी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि जो मल होते हैं उसे मशीन द्वारा चूर्ण कर लिया जाता है और चूर्ण में बदलने के बाद उसे टैंक में डाला जाता है और टैंक में प्रवेश कराने के बाद उसके जो अवशिष्ट कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से बहने वाला जो जल है वो शुद्ध हो जाता है।
तो हम देखते हैं कि कई बार इस तरह के मल को उपचार करने के लिए बहुत सारी विधियों को अपनाया जाता है। ऐसे अन्य और भी विधियां हैं जिनके द्वारा जल में उपस्थित मल को शुद्ध किया जा सकता है। जल में हम देखते हैं कि क्लोरीनीकरण किया जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि क्लोरीन टैबलेट वगैरह जल में डाला जाता है, जो जल में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं या बैक्टीरिया या जो भी कवक है या सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट करने के लिए ये सहायक होते हैं। तो इनकी वजह से जो रोग है, बीमारियाँ हैं, फैलती हैं जल के पीने से या जल को ग्रहण करने से। तो ये क्लोरीन युक्त वाटर जो है वो जल को काफ़ी हद तक इस तरह के सूक्ष्म जीवों से मुक्त बना देता है। प्रायः वर्षा ऋतु में जब हम जल का उपयोग करते हैं तो इस तरह से क्लोरीनीकरण किए हुए जल का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब हम ये समझेंगे कि जो पीने का जल होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं। चूँकि जल जो है वो हमारे शरीर के लिए या किसी भी जीव के शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया गया है जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता को हम आंक सकते हैं या जल को शुद्ध करते समय या जल का चक्रीकरण करते समय कैसे कैसे प्रोसेस होने चाहिए, कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए या किस तरह के उसमें जो भी उसके अंदर सॉल्ट है, जो भी उसमें आयंस है, उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए या क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोराइड्स, यानी जल में फ्लोराइड आयन कितना होना चाहिए। जल में जो फ्लोराइड आयन है उसका एक निश्चित मात्रा में प्रेजेंट होना बहुत ही आवश्यक है। जल में यदि फ्लोराइड आयन का मान बहुत कम हो जाता है तो यहाँ पर दंत क्षय होने लगता है। तो ये जो फ्लोराइड आयन होता है, ये फ्लोराइड आयन हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ मिलकर के, जो कि दांतों के इनेमल में होता है, तो उसके साथ ये जो फ्लोरो एपेटाइट के रूप में बनता है। तो यहाँ पर हम इसके सूत्र को देखेंगे कि जो फ्लोराइड आयन है हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ कैसे मिलता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है इसका हम सूत्र देखेंगे कि फ्लोराइड आयन के साथ ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैसे रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम Ca3PO4 होल ट्वाइस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस, तो इसके साथ ये मिलता है और फ्लोरो एपेटाइट बनाता है। तो इसका जो सूत्र है वो इस तरह से परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2, जो हमने पहले देखा CaOH होल ट्वाइस था, अब वो हो गया CaF2। तो ये जो फ्लोराइड आयन है इस तरह से हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ मिलकर दांतों के ऊपर एक इनेमल बन जाता है कठोर, और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। दांतों को बहुत अधिक मजबूत बनाने के लिए ये फ्लोराइड आयन का होना बहुत आवश्यक है जल में। ये फ्लोराइड आयन का जो मान है वो 1 ppm तक होता है यदि जल में, तो ये अच्छा है। जैसे ही जल में 2 ppm से ज़्यादा होने लगता है तो ये दांतों को प्रभावित करता है, दांतों के रंग में परिवर्तन कर देता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि इसका जो स्तर है वो 10 ppm तक यदि बढ़ जाए, तो ये जल में यदि इसका स्तर 10 ppm से बढ़ जाए फ्लोराइड आयन का, तो ये बहुत सारे दांत से संबंधित बीमारियां, हड्डी से संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। अब हम ये जानेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो लेड का मान है वो कैसा होना चाहिए। लेड भी बहुत एक खतरनाक जो प्रदूषक है वो माना जाता है। जल के स्थानांतरण के लिए सीसा के बने हुए जो पाइप होते हैं, लेड के जो पाइप है, उनका प्रायः हम देखते हैं प्रयोग होता है। अब चूंकि ये जल जो है लगातार इस तरह के पाइप से गुजरता है, तो निश्चित रूप से ये जो जल चूंकि एक सार्वत्रिक विलायक है तो उसके अंदर लगातार लेड की मात्रा बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं बहुत सारे गंभीर बीमारियों को जन्म दे रही हैं, जैसे कि यकृत या गुर्दे संबंधी बीमारी, बहुत सारे प्रजनन अंग संबंधी बीमारियाँ ये फैलती हैं। अगला हम देखेंगे नाइट्रेट्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर जो नाइट्रेट है इसका जो मान है वो जल में 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
यदि 50 ppm से अधिक मात्रा नाइट्रेट की जल में उपस्थित होती है तो छोटे बच्चों में एक बहुत ही गंभीर बीमारी देखने को मिलती है, मिथेमोग्लोबिनीमिया। ये जो रोग होता है, ये रोग जो है वो ब्लू बे सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह की गंभीर बीमारियों की वजह से जल में नाइट्रेट का जो मान है वो 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो सल्फेट होते हैं, ये 500 ppm से अधिक पीने के जल में नहीं होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा यदि सल्फेट प्रेजेंट होगा पीने के जल में, तो ये पाचन तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित कर देता है। बहुत सारे धातुएं हैं जिसका स्टैंडर्ड अधिकतम मान जो है वो निर्धारित किया गया है, इससे ज़्यादा होने पर जल प्रदूषित जल माना जाएगा या पीने योग्य नहीं माना जाता है। चूँकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, तो बहुत सारे सॉल्ट इसमें रहते हैं, बहुत सारे धातुएं इसके अंदर रहती हैं, तो इसमें इसकी जो मात्रा है वो निर्धारित है। तो यदि हम पार्ट्स पर मिलियन में इसकी अधिकतम मात्रा को देखें, तो कुछ उदाहरण हम समझेंगे, जैसे कि आयरन। आयरन का पार्ट्स पर मिलियन में जो मान है वो 0.2 है, मैग्नीज का 0.05 ppm है, एल्यूमिनियम 0.2 ppm, कॉपर 3 ppm, जिंक का मान 5 ppm और कैडमियम का मान 0.005 ppm होना चाहिए। ये अधिकतम वैल्यू है, इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। पीने का जल जो है वो हमारे जीने का आधार होता है। इसके कुछ स्टैंडर्ड हैं या इसकी गुणवत्ता को हम कुछ विशेषताओं से समझेंगे, जैसे कि जल का जो पीएच मान है पीने योग्य जल का, वो 6 से 9 के बीच होना चाहिए। इसकी स्वाद को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे इसमें हानि रहित लवण भी घुले होने चाहिए। जल जो है वो रंगहीन हो, गंधहीन हो, तभी वह जल जो है वो पीने योग्य होता है। साथ ही ये जो जल है पीने योग्य जल, ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए। ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो जल में प्रेजेंट होते हैं, ये कई सारी गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं, तो इनसे ये मुक्त होना चाहिए। प्रायः जो जल है उसमें निलंबित कण नहीं होने चाहिए, गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, तब वो पीने योग्य जल होता है। जल मृदु होना चाहिए और बहुत सारे रासायनिक पदार्थों या हानिकारक रासायनिक पदार्थों से ये मुक्त होना चाहिए।